विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल स्टेट डेवलपर्स। चंद्रयान 3 के लैंडर ने चांद के दक्षिण ध्रुव पर कदम रखकर इतिहास रच दिया है। लैंडर ने 6:04 पर चांद पर पहला कदम रखा। इस तरह भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया और चांद के किसी भी हिस्से में यान उतारने वाला चौथा देश बन गया है। इससे पहले अमेरिका, सोवियत संघ और चीन को ही ये कामयाबी मिल पाई थी। चंद्रमा की अंतिम कक्षा से 25 किलोमीटर का सफर 20 मिनट में पूरा हुआ। लैंडर को धीरे-धीरे नीचे उतारा गया। 5:30 पर शुरुआत में रफ लैंडिंग बेहद कामयाब रही। इसके बाद 5:44 पर लैंडर ने वर्टिकल लैंडिंग की। तब उसकी चंद्रमा से दूरी करीब 3 किलोमीटर रह गई थी। सबकी निगाहें इसरो पर टिकी हुई थी क्योंकि चंद्रयान 2 अंतिम मिनट में रास्ता भटक गया था, लेकिन चंद्रयान 3 के साथ ऐसी कोई अनहोनी नहीं हुई और वो सही जगह उतरने में कामयाब रहा। इसके लिए इसरो के बेंगलुरु स्थित टेलीमेट्री एंड कमांड सेंटर के मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स में 50 से ज्यादा वैज्ञानिक कंप्यूटर पर चंद्रयान 3 से मिल रहे आंकड़ों की मंगलवार रात भर पड़ताल में जुटे रहे। वे लैंडर को इनपुट भेजते रहे ताकि लैंडिंग के समय गलत फैसला लेने की हर गुंजाइश खत्म हो जाए। चंद्रयान की सफल लैंडिंग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने वैज्ञानिकों और देशवासियों को बधाई दी है। दुनिया के देशों से भी भारत और इसरो को बधाई मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है। अब लोगों को इंतजार है कब विक्रम और प्रज्ञान फोटो खींचकर पृथ्वी पर भेजेंगे।